हे गाइस, वेलकम बैक ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडीजी पब्लिकेशन की जो ईएससी और गेट के लिए यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड की जो बुक निकाली गई है, जो कि थ्योरी एंड इसमें क्वेश्चंस भी कलेक्ट है। थ्योरी और क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे गेट और ईएससी 2019 और 2020 दोनों का बुक यहाँ पे है। दोनों ही बुक के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले आपको बता दें इस बुक में क्या क्या आपका कवर किया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कम्प्रिहेंसिव थ्योरी विद सोल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, साथ में सोल्व एग्जाम्पल भी काफी अच्छे से दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर जितने भी गेट और ईएससी के प्रीलिम्स के पेपर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यह थोरोली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, और आल्सो यूजफुल फॉर यूपीएससी सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल है काफी। ये बुक एमबीए एंट्रांस एग्जाम के लिए यूजफुल है, विप्रो, एसएससी, बैंक, पीओ, टीसीएस, रेलवे एग्जाम के लिए, इन्फोसिस के लिए, वेरियस जितने भी पीएसयू एग्जाम होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, उसमें उपयोगी है ये बुक। उसके बाद देख लीजिए अदर कम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो है कंडक्ट करवाते हैं जिसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आता है, वो सारा का सारा यहाँ पे यूजफुल है उसके लिए, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देख लीजिए कंटेंट जो दिया हुआ है सब सेम टू सेम, यहाँ जैसा 2020 में है सेम टू सेम यहाँ भी दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसमें जो है 2020 वाले में 2019 में जो एग्जाम हुआ उसको ऐड कर दिया गया है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ कंटेंट यहाँ पे सेम है। तो चलिए दूसरी वाली जो 2020 की बुक है इसको ओपन करके सारा चीज डिटेल में आपको बताते हैं क्या क्या आपको कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे कंटेंट में एक बार आपको बता दूं कि क्या क्या पूछेगा। तो अर्थमेटिक का आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम कवर किया हुआ है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया गया अर्थमेटिक में पूरा का पूरा। उसके बाद सेक्शन बी की हम बात करें तो यह है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें आपका देख सकते हैं सोर्स इंडिसेस एंड लॉगरिथम है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेशन है जो कि एपी जीपी जितने भी आते हैं एचपी सारे के सारे कवर किए हुए हैं इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो है सेक्शन सी इसमें रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। अब इसमें ब्लड रिलेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग है, क्यूब्स एंड डाइस है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, उसके बाद लाइन ग्राफ्स है, उसके बाद टेबल्स है, उसके बाद बार डायग्राम है, उसके बाद पाई चार्ट है, मिसलेनियस पजल्स है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, एनालिटिकल रीजनिंग है। सेक्शन डी की बात करें तो जितने भी प्रीवियस ईयर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो चलिए इसके देखते हैं चैप्टर में किस तरह से कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है जिसका वो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर इन्होंने दिया है। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखा है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से किया है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर जो होता है, उसके बाद होल नंबर और किस तरह से ये क्लासिफिकेशन किया जाता है वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि पहले तो थ्योरी दिया और साथ में यहाँ पे उसका जो है एग्जाम्पल भी दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन दिया है, फिर सोल्यूशन यहाँ पे समझाया हुआ है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एक टॉपिक के बाद फिर ये किया है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इंटीजर्स, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स जो भी है उनके बारे में यहाँ पे बता दिया गया और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, उसके बाद टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ उसके रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल देने के बाद आप देख सकते हैं सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है और एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पे दिया है, पहले तो सोल्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे, उसके बाद सोल्ड एग्जाम्पल देने के बाद आप देखेंगे तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे आगे देख सकते हैं सोल्यूशन भी इसका साथ में दिया हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, परसेंटेज का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो सोल्ड एग्जाम्पल दिया है, सोल्ड एग्जाम्पल देने के बाद आप देख लीजिए आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। पहले आप इसको खुद से बनाइए, फिर आंसर की मिलाइए और यहाँ पे आप सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको देखने हैं यहाँ से सोल्यूशन। अब इस बुक में इसी तरह से सारा का सारा चैप्टर दिया हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो ये काफी अच्छी बुक मुझे लगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसी तरह से सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें, आप चेकआउट कर सकते हैं बुक को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए टाइम एंड स्पीड की इसी तरह से बात है, सेट थ्योरी की बात करें तो थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है सोल्ड एग्जाम्पल, उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। तो अगर आप ये पूरा बुक सॉल्व कर देते हैं तो काफी बढ़िया जो है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट, और किसी भी एग्जाम में जिसमें भी आता है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके प्राइस की हम बात करें तो इसका प्राइस जो है 550 रुपये यहाँ पे रखी गई, ठीक है, 550 रुपये रखी गई। मार्केट से अगर आप लेंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पे छूट मिल जाएगी,
और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दूंगा मैं अगर हो सके तो, जो भी ऑनलाइन यहाँ पे पोर्टल होंगे उसका, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके पब्लिकेशन की और भी काफ़ी सारे बुक्स आती हैं, ये बुक्स आप यहाँ से ले सकते हैं, ये काफ़ी लिस्ट यहाँ पे दी हुई, तो ये चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपका गेट बुक्स है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके बाद हैंड बुक्स जो भी फार्मूला बुक इनके होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद MCQ जो आते हैं वो है, उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होते हैं उसके बुक्स भी निकाल चुके हैं इन्होंने, उसके बाद SSC, उसके बाद स्टेट सर्विसेज जितने बुक्स होते हैं वो सारे के सारे इनका उपलब्ध है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप सिविल सर्विसेज UPSC के प्रिपरेशन करें उसका भी बुक यहाँ पे निकाला जाता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोनों ही बुक जो है आपके आपके पास अगर पहले से कोई बुक है इस दोनों में से तो कोई बात नहीं है, आप दोनों ही बुक में कंटेंट सेम है, दोनों ही यूज कर सकते हैं कोई भी बुक हो आपके पास। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन भी देना हो तो कमेंट कीजिएगा। और ये बुक का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं डाल दूंगा, अगर परचेज करना है तो आप ऑनलाइन वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।